इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, तो इसको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और इसका मैंने डेरिवेशन कराया हुआ था पिछले ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, तो मैंने उसका पीडीएफ शेयर करा दिया था, तो वो डेरिवेशन सब जरूर उसमें देख लें। हाँ श्रेया बताइए, श्रद्धा सॉरी जी बताइए। सर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा एक मिनट बेटा, उनको टाइम पे आना चाहिए ना, क्लास के टाइम के बाद आएंगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। अच्छा श्रद्धा, ये जो चैट बॉक्स है ना उसमें इनेबल कर दो, ये लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे अदरवाइज। ओके सर। ठीक है, अब सभी लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो आई होप कि सबने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये चीजें पता करने हैं। प्लीज कमेंट फास्ट, तुम लोग इतना टाइम कैसे ले रहे हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस पहले मैंने प्लस टू रखा था, अब माइनस टू रख के सॉल्व करना है आपको, पूरा सेम प्रोसेस है। बी एस एंड एक्स फाइनल, इसी ऑर्डर में आप अपने आंसर्स को टाइप करेंगे कॉमा लगा के। ठीक ठीक है, इनिशियल ओके, वी का आंसर आ चुका है दो बच्चों का, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस फोर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। एस और एक्स फाइनल भी बताएं बाकी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड स्तुति। बस बट कुछ ही बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सबसे बनना चाहिए था, किसी से नहीं बन रहा इसका मतलब वो ट्राई नहीं कर रहा ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, क्लास नाइन्थ में आपने सॉल्व किया होगा ये। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग माइनस फोर मीटर्स। ओके, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मिल गई, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? फाइनल पोजीशन क्या आ रही है बच्चों? पोजीशन कोई नहीं बता पा रहा है, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? हाँ माइनस टू आया किसी का आंसर। ठीक है, तो देखो बच्चों ये आंसर्स आ रहे हैं तुम्हारे, अब तुम देखो इसको, ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूँ बाकी बच्चों के लिए जिन लोगों ने नहीं किया होगा। तो देखो बच्चों जल्दी से लगाते हैं, पहला वाला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इज जीरो, एक्सेलरेशन इज माइनस टू, टाइम इज टू, सो द आंसर इज माइनस फोर मीटर पर सेकेंड। अगेन नोट दिस माइनस साइन,
माइनस साइन ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ना वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. तो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है. अभी इस वाले में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए वो अब नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, जो यहां से भी क्लियर हो रहा है ये माइनस साइन से. अब क्लियर सी बात है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी देखो नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि देख रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस. जो यहां से देखो क्लियर हो रहा है, देखो ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा. और क्लियर सी बात है उसकी फाइनल पोजीशन भी जो होगी वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो यहां से क्लियर हो जा रहा है. ठीक, तो देखो समझ गए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था. तो आपको देखो ये साइंस का भी मतलब समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज साइंस. तो देखा हमने एक पॉजिटिव डायरेक्शन का क्वेश्चन किया, एक नेगेटिव डायरेक्शन. अब हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें ऑब्जेक्ट उस समय तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर वो वापस लौटेगा और फिर वो नेगेटिव की तरफ जाएगा. देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये अब एक अच्छा क्वेश्चन होने वाला है अगला क्वेश्चन. और अगर जिसने भी ये दो क्वेश्चन कर लिया ना वो उससे बन जाएगा. तो देखो मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करूंगा सेम क्वेश्चन में और वो देखो एक नया क्वेश्चन बनने वाला है. मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ, अब कुछ जो चेंज होगा ना वो बता रहा हूँ. मैं अभी बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मोशन, अब हमको रेस्ट से नहीं शुरू करना. अब मैंने तुम्हें दे दिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है विद सम वेलोसिटी 2 meters per second. कितने से शुरू कर रहा है बच्चों, 2 meters per second से शुरू कर रहा है. ये एक क्वेश्चन हो गया. देखो समझो क्या होता है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जो x equal to 2 मीटर से अपना मोशन शुरू कर रहा है, और बेटा वो कितनी वेलोसिटी से शुरू कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से. इसका मतलब वो किधर जाना चाह रहा था इनिशियली, तो इनिशियली जो ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है सिंस इट्स वेलोसिटी इज प्लस, तो यानी वो जाना किधर चाह रहा है बच्चों, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाना चाह रहा है. ठीक, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ये जाना तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चाह रहा है, बट इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है वो है नेगेटिव डायरेक्शन. तो मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ना इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बट द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन. तो ऐसे समझ लो कि यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है वो किसका काम कर रहा है बच्चों, रिटार्डेशन का काम कर रहा है. Here this acceleration will act as retardation. तो इसको हम कहेंगे retardation. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो acceleration लग रहा है वो उसकी velocity के opposite direction में लग रहा है. तो वो जो object है उसकी velocity को कम करने की कोशिश करेगा. ऐसे समझो ये object जाना चाह रहा है इस तरफ, but इस पे जो acceleration लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है. तो ऐसे समझो कि ये एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. तो क्लियर सी बात है इसकी वेलोसिटी कम होगी टाइम के साथ, तो कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा. आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल बिकम जीरो. लेकिन वो रुका नहीं रहेगा वहां पर, क्योंकि अभी भी उस पर क्या लग रहा होगा, ये एक्सेलरेशन लग रहा होगा. क्योंकि जब ये रुकेगा यहां पर उस समय भी इस पर क्या लग रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन लग रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन. क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, तो यानी ये जो एक्सेलरेशन है अब इसको वापस लेके आएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ. तो पहले ये गया कुछ दूर, रुका और फिर वापस आके एक टाइम आएगा जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करेगा. यहाँ पे रुकेगा नहीं वो आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसपे हमेशा क्या एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है. तो देखो अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे. पहला क्वेश्चन बनेगा कितने टाइम के बाद वो रुकेगा, आफ्टर हाउ मच टाइम द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन
क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप. तो टाइम बताना है व्हेन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स. सेकंड, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ व्हेन इट स्टॉप. तो क्लियर सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट रुका होगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसका, ये डिस्प्लेसमेंट भी बताना है. थर्ड पॉइंट, एक टाइम के बाद ऑब्जेक्ट क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन से फिर क्रॉस करेगा, वो टाइम बताना है. द टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू ओरिजिनल पोजीशन, पासेस थ्रू ओरिजिनल पोजीशन. क्लियर. तो इतने क्वेश्चंस हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं, इतने आंसर्स निकालने हैं. पहला, कितने टाइम के बाद रुकेगा, कितना डिस्प्लेस हो गया और कितने टाइम के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्रॉस करेगा. चलो तो इसको देखो सॉल्व करते हैं. तो सबको इसको सॉल्व करें खुद से, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि ये भी सिंपल ही है क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस साइन का ध्यान रखना है सबको. सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन. डेटा सेम है सब. वेलोसिटी थी इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड. सिर्फ इतना डेटा आपको दिया हुआ है. ठीक, तो देखो टाइम क्योंकि ओवर होने वाला है इसलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ताकि बाकी लोग जो सॉल्व कर चुके हैं वो अपने आंसर कमेंट करेंगे, फिर भी आप इसका सॉल्यूशन सब देखो. देखो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं जो हमें गिवन है. हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी +2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन, व्हेन इट विल स्टॉप. तो बच्चों ये बताओ, ये थी इनिशियल कंडीशन, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ध्यान से सुनना, जब वो रुकेगा उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, होगी कि नहीं. तो जब वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0. तो हमको देखो फाइनल वेलोसिटी पता चल गई 0 होगी जब वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा. तो देखो हमको v पता है, हमको u पता है, हमको a पता है, तो टाइम निकालना है बच्चों. तो टाइम के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, पहला इक्वेशन को यूज करो. तो v को रखो यहां 0 बच्चों, ये है +2, एक्सेलरेशन इज -2. सो व्हाट इज द टाइम हियर, कितना टाइम आ गया बच्चों, 1 सेकेंड आ गया. तो देखो आंसर मिल गया कि आफ्टर 1 सेकेंड इट विल स्टॉप. तो टी मिल गया 1 सेकेंड, ये था t=0. अब बताओ कितना डिस्प्लेस किया वो. तो बहुत ही सिंपल है, तुम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, v² = u² + 2as. तुमको पता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इज 2, एक्सेलरेशन इज -2. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट एंड दैट विल बी =1 meter. तो देखो कितना सिंपल है, सिर्फ इक्वेशंस को यूज करना है. और देखो प्लस आ रहा है आंसर, और क्लियर सी बात है डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा. वेरी गुड, तो आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी दिस डिस्प्लेसमेंट इज 1 meter. अब हमें वो टाइम निकालना है जब वो वापस आ रहा था तो फिर इस पोजीशन से क्रॉस करेगा, उस टाइम को निकालना है. तो बच्चों तुम ये बताओ, इनिशियली हमको पता था कि उसने मोशन कहां से स्टार्ट किया, x = 2 meter से शुरू किया था. ये पोजीशन क्या थी बच्चों, 2 meter थी x इनिशियल. जब वो वापस आ रहा था तो फाइनली वो इसी पॉइंट पे पहुंचा, और उसकी हमें उसका हमें टाइम निकालना है. ये बताओ जर्नी यहीं से शुरू हुई
और जब वो घूम के वापस यहाँ पे आया तो क्या वो उसी पॉइंट पे पहुंच गया? तो यानी जो x इनिशियल था ऑब्जेक्ट का वही उसका क्या हो गया, x फाइनल। तो आपने जाना है कि अगर ऑब्जेक्ट जहां से जर्नी शुरू करे वही घूम के आ जाए उस पर्टिकुलर केस के लिए डिस्प्लेसमेंट बच्चों जीरो। तो यहां से शुरू किया मोशन और फिर यही आ गया, तो फॉर द होल जर्नी द डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो मिल गया बच्चों तो फिर आंसर अब आ जाएगा। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाला एक इक्वेशन है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस को रखेंगे जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज टू